उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के दूसरे दिन ही श्रद्धालुओं के आने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया और जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। यमुनोत्री मार्ग की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनमें आप देख पाएंगे कि श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ से पूरा मार्ग बंद हो गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु घंटों तक एक ही जगह पर अटके रहे। इस दौरान धक्का मुक्की की खबरें और तस्वीरें भी सामने आई। भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं पर काबू पाना प्रशासन के लिए, यात्रा मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल नजर आया। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 लाख को पार कर गया। इनमें से केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 7 लाख 10 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यमुनोत्री के लिए 3,68,000 से ज्यादा, गंगोत्री धाम के लिए 4,21,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। और ये याद रखना होगा कि अभी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 10 मई को पहला दिन था जब केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे। अभी बद्रीनाथ के कपाट खुलने बाकी हैं, लेकिन केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का, यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा और लाखों की संख्या में अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये वो भक्त हैं जो चारधाम यात्रा का धर्म लाभ उठाना चाहते हैं।